सामना अगले मध्य सर हिंदी में पहले आप बोलिए शुरू करें कैमरा में सर यहां से पांडे सर सामना पांडे जी पांडे जी कुछ चाहिए एक मिनट काम जरा बोलिए ये सामना में जो अग्रलेख लिखा है इंडिया अलायंस में सब कुछ सही नहीं और अमित शाह का भी बयान आया है क्या कहते हैं देखिये अमित शाह को इंडिया अलायंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी ने 5 राज्यों का चुनाव है वहां ध्यान देना चाहिए, वहां बीजेपी हार रही है और इंडिया अलायंस ही उनको हरा रहे। इंडिया अलायंस में क्या करना है क्या नहीं करना है इंडिया अलायंस के जो लीडर्स है वो समर्थ है, वो सक्षम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है, क्या ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस का काम अभी अभी शुरू हुआ है। इंडिया अलायंस की जो फॉर्मेशन है वो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 वो सामने रखकर हम इंडिया अलायंस बनाया है। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है, अब जिस राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी को नहीं हराएंगे विधानसभा में, तो हम लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे। तो इंडिया अलायंस का काम जो है 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद फिर एक बार इंडिया अलायंस की बैठकें होगी, सीट शेयरिंग होगा, कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपना घर संभालो भाई साहब, हमारे घर में झांकने की जरूरत नहीं। 2024 में इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। सर आज सामना के लिए खास विरोध का कहा बता, काही लोकांना इंडिया अलायन्सची फार चिंता वाटते। इंडिया अलायन्स काय होणार, इंडिया अलायन्स कसं होणार, तो तर माझं असं म्हणणं आहे इंडिया अलायन्स अत्यंत ठीक चाललेलं आहे। इंडिया अलायन्सची चिंता गृहमंत्री अमित शाह यांना करण्याची गरज नाही, ना मोदींना करण्याची गरज आहे। नितीश कुमार जी को आंख मिचोली करने की जरूरत नाही है। नितीश कुमार जी इंडिया अलायन्स के प्रमुख स्तंभ है। इंडिया अलायंस मध्ये नीतीश कुमार यांचं स्थान फार महत्त्वाचं आहे। ओमर अब्दुल्लांचं स्थान महत्त्वाचं आहे। उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी, हां सभी एक साथ एक दूसरे के साथ एक दुसऱ्यांबरोबर पूर्ण संपर्कात आहेत। इंडिया अलायंस म्हणजे काय आहे? इंडिया अलायंस ही 2024 साली हमाला भारतीय जनता पक्षाचा हुकुमशाहीचा पराभव करायचा, एकाधिकारशाहीचा पराभव करायचा, भ्रष्ट सरकारचा पराभव करायचा, जनता विरोधी सरकारचा पराभव करायचा। म्हणून इंडिया अलायन्स आम्ही निर्माण केलाय। अमित शाह यांनी स्वतःच्या घरात आधी पाहावं भाजपमध्ये काय चाललं। 5 राज्यात तुमचा दारुण पराभव इंडिया अलायन्स करताय। तुम्ही इतके घाबरलात की इंडियाचं नाव तुम्ही भारत करायला लागला, तो भारत ऑलरेडी आहे आणि तुम्ही आता आम्हाला काय ज्ञान देताय। आपण आपलं पहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा, मिझोरम प्रत्येक ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष हे हरण्याच्या स्थितीमध्ये आहे आणि तुम्ही आम्हाला सांगता इंडिया अलायन्सनं काय करावं। इंडिया अलायन्स नीतीश कुमार जी असतील किंवा अन्य कोणी प्रमुख नेते असतील, त्यांनी आपली मतं व्यक्त केलेली आहेत। विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आम्ही पुन्हा एकत्र बसणार आहोत आणि राष्ट्रीय स्तरावर सीट शेअरिंगचा विषय आम्ही मार्गी लावणार आहोत। कोण करू द्या ना, त्यांना काम करू द्या, त्यांना कुठे भारत भ्रमण करायचं आहे त्यांनी काही करायला हरकत नाही। नक्कीच त्यांनी लडाखला गेलं पाहिजे, त्यांनी लेहला गेलं पाहिजे, त्यांनी मणिपूरला गेलं पाहिजे, तर प्रधानमंत्री जात नाहीये। हो गया। अजित पवार की माँ ने इच्छा जताई है कि वो चाहते हैं कि अजित पवार मुख्यमंत्री बने।
माँ की तो इच्छा होती है, लेकिन अब तक जो कुछ अभी अजीत पवार बने हैं वो तो शरद पवार साहब ने ही बने हैं, बनाया है ना। तो ये जो इच्छा है अजीत पवार जी के माता जी की, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक माँ की इच्छा होती है कि अपना बेटा प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने। शरद पवार साहब ने उनको डिप्यूटी सीएम तो बनाया, अब अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको अमित शाह के पास जाना है तो अमित शाह बनाएंगे मुख्यमंत्री। ग्राम पंचायत निवडणुका या कोणत्याही चिन्हावर लढवल्या जात नाही, हे सगळ्यांना माहिती। ग्राम पंचायत निवडणुका या तटस्थपणे लढल्या जातात, कोणत्याही चिन्हाने कोणताही पक्ष त्यात निवडणुका लढत नाही। आता प्रत्येक जण त्याच्यावरती दावा करेल की आम्ही जिंकलो, पाहू ना। चला सर, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो कभी पार्टी और किसी पार्टी के चिन्ह के ऊपर नहीं लड़ा जाता। वो अपने गांव में जो पैनल खड़े होते हैं अलग अलग गांव के, तो बाद में जिसको जहां जाना है जाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव निष्पक्ष होते हैं और किसी पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़े जाते। सर, आज दिल्ली मुंबई की जो हवा है उसकी हालत जो है वो दिल्ली से भी बदतर होती गई है, इस बारे में सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीएमसी जो है। देखिए, आप बीएमसी है कहाँ? बीएमसी है क्या? बीएमसी में कोई सरकार बनी है क्या दो साल से? आप किसको ब्लेम करेंगे? इकबाल चहल जी को? इस राज्य के पर्यावरण मंत्री कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, एक आर्थिक राजधानी है। मुंबई की हवा, अब वो हवा इतनी खराब हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुआ था। ये काम पर्यावरण का है, ये काम बीएमसी का है, लेकिन बीएमसी का अस्तित्व ही नहीं है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी बैठे हैं कुर्सी डालकर वहां, उनको क्या आता पता क्या चल रहा है आजूबाजू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को जो पार्टी फंड आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, तो गलत क्या है? एक पार्टी के अकाउंट में 5,000 करोड़ आता है, और ये 5,000 करोड़ कहाँ से आता है, किसने दिए, क्यों दिए, उसका पता नहीं। और जो और पार्टी है उनको तो कोई फंड नहीं मिलता। एक ही पार्टी को 5,000 करोड़ कहाँ से आते हैं ये जनता को जानने का अधिकार नहीं? पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ आते हैं, जनता को जानने का अधिकार नहीं? समझना चाहिए। पहले के हवा लगा इसमें हो सकता है, ईडी को पता होना चाहिए। ईडी 5,000 रुपये का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर में जाते हैं भाजपा के अपोजिशन के लोगों के पास, तो 5,000 करोड़ कहाँ से आए वो ईडी को समझना चाहिए ना। जाइए देख लीजिए, बीजेपी का अकाउंट खंगाल लीजिए।